नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज केनी, आपका अपना होस्ट। आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ फिर से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले जाऊंगा बेम्बू रिसोर्ट। यह बेम्बू रिसोर्ट सोविमा विलेज दिमापुर में है। मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगने से कृपया से मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम पहुंच गए हैं रिसोर्ट में। आप वीडियो के माध्यम से देख सकता है कि यहाँ से एंट्री होता है। यहाँ रिसोर्ट हाईवे के सामने ही पड़ता है। चलिए एंट्री करते हुए एक दो बातचीत भी कर लेंगे। बाय बाय। अगर आप हमारे राज्य के बाहर से घूमने के लिए आ रहा है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सहायता करूंगा। ट्रेन स्टेशन से लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको रिक्शा भी मिल जाएगा। अगर आपका खुद का गाड़ी है तो और भी बेहतर। आप गूगल मैप के की सहायता लेकर भी आ सकते हैं। हाँ नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं बेम्बू रिसोर्ट में। अभी हम लोग के साथ है भैया। अभी भैया आपको बताएंगे यहाँ का टाइमिंग और लोकेशन कहाँ पर स्थित है, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। समय में 9:00 to 7:00 ओके। एवरी डे मंडे टू संडे, सोमवार से रविवार तक ना। हाँ ठीक है ठीक है। और एक व्यक्ति के लिए कितना चार्ज लेता है टिकट? 10 rupees ना। और अगर गाड़ी लाएंगे, जैसे कि बाइक हो गया या फिर चार पाए वाला गाड़ी लाएगा, तो इसका चार्ज अलग होगा या सब सेम है? 10 rupees गाड़ी का भी 10 rupees सेम जे थोड़ा बस तो अच्छा, मतलब कि जो गाड़ी, जो बड़ा वाला गाड़ी है उसका चार्ज अलग से लगेगा, उसका तो 100 rupees होगा। चलिए समय को ज्यादा ना गवाते हुए आप लोगों को रिसोर्ट की कुछ झलक दिखाऊंगा। आप देख सकता है यहाँ साइन बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। बेम्बू से बना हुआ या कुछ चीज कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा हुआ था, पता नहीं ये क्या है, लेकिन मैंने उसका खूब उपयोग किया था। यहाँ बेम्बू से बना हुआ अन्य प्रकार के चीजें रखा हुआ था। मैंने वीडियो शूट करने की कोशिश किया लेकिन स्टाफ मेंबर्स ने इसके भीतर वीडियो लेने से मना कर दिया, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। यहाँ लोकल के कुछ चित्र बना हुआ है। इसके पीछे एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है। यह स्टेज बेम्बू का भरपूर उपयोग किया हुआ है। साथ ही साथ में आपको यह भी बता दूं कि इस रिसोर्ट में जो भी चीजें बना हुआ है लगभग बेम्बू से बना हुआ है। अन्य प्रकार के बेम्बू का गार्डन है। चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी शेयर करवाऊंगा। आगे बेम्बू से बना हुआ एक छोटा सा ब्रिज देखने को मिलता है। ब्रिज के उस पार चार और अन्य प्रकार के बेम्बू देखने को मिलता है। बताया जाता है कि इस रिसोर्ट में लगभग 10 से 12 तरह तरह के बेम्बू पाए जाते हैं। मैंने अपने जिंदगी में ऐसे अन्य प्रकार के बेम्बू नहीं देखे। यहाँ बैठने की जगह भी बेम्बू से बना हुआ है। इस तरफ और उस तरफ भी सब जगह बेम्बू का उपयोग किया हुआ है। चलते चलते थक गया, इसलिए थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
भाई साहब क्या ही आनंद मिल रहा है। वाह, आप देख सकता है चारों ओर बेंबू ही बेंबू से घिरा हुआ है। ऊपर से यह बेंबू हरा भरा तथा घना घना है। चलते चलते हम पहुंच गए हैं यहाँ बेंबू से बना हुआ एक छोटा सा प्यारा सा कैफे। भीतर जाकर देखते हैं, ऊपर से चलते चलते थक गया है, इसलिए जाकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे। देख सकता है टेबल चेयर भी बेंबू से बना हुआ है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। साथ ही साथ मेरा कॉफी भी आ गया, चलिए उसका उन आनंद उठाएंगे। चलिए यहाँ से अपना वीडियो समाप्त करते हैं। इस रिसोर्ट का पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा। यहाँ से मैं आप लोगों का इजाजत लेना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।